ये देखो इसके स्टाइल ही मुझे को समझ नहीं आता भाई। जन्म से मुझे काम थोप दिया गया था कि तुझे कूड़ा फेंक के आना है, तो मुझे कूड़ा फेंक के आना पड़ेगा। पहली बार फर्स्ट टाइम बनाने लगा हूँ कुंदरू अपने हाथ से, तो आज हम बनाएंगे कुंदरू की सब्जी। ये बंदरू बनाएगा कुंदरू। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जी आज है शनिवार और आज है पहला श्राद्ध है आज से, मतलब श्राद्ध शुरू हो गया, मतलब कल से शुरू हो गया। कल पूर्णिमा का था, आज प्रतिपदा है ना, कल द्वितीया, तो कल हमारे पिताजी का भी श्राद्ध होता है। तो आज हमारा जैसे पहाड़ में कहते हैं कि आज के दिन पूरा व्रत होता है, मतलब एक ही टाइम खाना होता है, फिर कल एक ही टाइम खाएंगे उस समय जब पूजा होगी, है ना। तो श्राद्ध का जिनको पता ही है, तो वैसे मैं जो है कि मैं नहीं रख पाऊंगा जो व्रत होता है, तो मैं वैसे मना लूंगा क्योंकि बड़े भाई कर लेंगे श्राद्ध जो है पिताजी का। कल जनेऊ बदलूंगा मैं भी, बस क्योंकि मेरी दवाई चल रही है और मुझसे भूखे रहा भी नहीं जाएगा, और मेरे लिए ठीक भी नहीं है भूखा रहना, क्योंकि वो फिर मुझे घबराहट हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो मैं व्रत ले भी नहीं पाता, जैसे मैंने पहले भी बताया कि मुझसे नहीं हो पाती ये चीज़, है ना। तो चलो पिताजी माफ़ करना, और मतलब मन से तो चलो ठीक कर ही सकते हैं ये है। वैसे मैंने जो है कि वीडियो लगा रखी है एक्सपोर्ट होने के लिए, वीडियो बना दी है, एक्सपोर्ट हो रही है, और बस फिलहाल तो यही है। और ये मेरा बेटा देखो, पता नहीं क्या, ये देखो इसके स्टाइल ही मेरे को समझ नहीं आता भाई साहब, बिल्कुल अलग स्टाइल। अब ये इस तरह से फ़ोन कौन देखता होगा, कोई देखता है मुझे बता दो, अगर मैं देखता हूँ जी ऐसे करके कमेंट कर देना चाहे तो। पर ये देखो है ये प्रज्वल, ये कौन सा स्टाइल है, कहाँ से सीखता है तू ये, इतना नहीं इतने मतलब इतना टाइम तेरे पास कहाँ से मिल जाता है ये बेली हरकतें करने के लिए। देख मेरी बाबू कितनी अच्छी है, रोटी बना रही है पापा के लिए, है ना बाबू। हाँ आज मुंडी इसकी सही हिल रही है वैसे, है ना बाबू। हाँ सही हिल रही, आज 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 मशीन ठीक होगी इसकी गर्दन वाली, कल तो नहीं तो ऐसे 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 घूम। और ये देखो जी, कल हमारे ऑफिस में कोई गए हुए थे ना, वैष्णो देवी गए थे, तो ये माता वैष्णो देवी का प्रसाद है, तो हाँ ये तो हमने कल खा लिया था, लेकिन थोड़ा सा अभी रहता है, तो ये भी मैं खा लूँगा। माता की शक्ति, शक्ति की भक्ति, नहीं भक्ति की शक्ति, है ना। तो चलो फटाफट से होता हूँ तैयार नहा धोके, और ये बिस्तर भी अभी ऐसे पड़ा है, बिस्तर भी उठाना है, बिस्तर अपना खुद ही उठाना चाहिए, क्यों, क्योंकि उससे भी थोड़ी एक्सरसाइज होती है और अच्छी आदत होती है, बिस्तर अपना खुद उठाना चाहिए, चद्दर अद्दर जो भी होती है खुद उठाना चाहिए, ठीक है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, तो सुबह हो गई, और देखो यहाँ पापा क्या कर रहे हैं, पापा क्या कर रहे हैं, पापा यहाँ पे अपने पता नहीं क्या कर रहे हैं पापा। अच्छा मुझे ये बता दीजिए, ये किसकी हरकत है, ये मेरी है, ये इतनी अच्छी पनीर की सब्जी बना रखी है, देख रात को ये वो भी खाऊंगा, तो वो भी खाएगा, ठीक है चल पनीर पनीर रख देना, और ये देख लो दोस्तों सलाद, मतलब इतनी सी मूली क्या यार, मतलब ना हमारी, मतलब मैं मजा कई बार मैं सोचता हूँ कि सलाद मतलब ये, अब देख रहे हो ये एक अंगुली के जितने इसका सलाद बोलते हैं। चलो सिट्टी की, तो गाइस चलो सिट्टी की आज भी आ रही, मुझे जाना पड़ेगा कूड़ा फेंकने के लिए। ये मेरा क्या कहते हैं जन्म सिद्ध को हुआ है, क्या कर्तव्य है, जन्म सिद्ध से मुझे काम थोप दिया गया था कि तुझे कूड़ा फेंक के आना है, तो मुझे कूड़ा फेंक के आना पड़ेगा, तेरे लिए पड़ा है एक ही गीला पड़ा। क्या जिंदगी हो गई है रे तेरे, क्या जिंदगी हो गई है रे तेरी। इसीलिए कहता हूँ कोई काम अच्छा सा हाथ का काम सीखो, ये हाथ सीखो, अभी तुम्हारी एज है, ये भी हाथ का काम ही है। अरे हाथ का काम कूड़ा फेंकना काम करना है, वो तो ये है कि घर के काम करना, हाँ घर के काम भी जरूरी होते हैं, लेकिन एक हुनर सीखो, अपने आप को उस लायक बनाओ कि कल को कोई भी कहीं भी खड़े हो जाओ तो तुमको अच्छे, मतलब लोग पूरी इज्जत की निगाह से देखे, है ना। ओके चलो अब मैं आपको देता हूँ बाबू क्या कर रही है, ये क्या है बाबू, बाबू जूड़ा बांध रही है, बाबू कूड़ा बांध ले, जूड़ा मत बांध, अरे कूड़ा बांध ले तब मैं फेंक, कूड़ा फेंक के आना, पहले कूड़ा बांध तो ले फिर उसका फेंक के आऊंगा। अच्छा अच्छा हाँ चल बाबू कर ले, चलो भाई आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर बाद, चलो भाई आपसे मिलूंगा थोड़ी देर बाद। तो भाई मैं कूड़ा फेंक के आ गया हूँ, और देखो पापा क्या कर रहे हैं, तो ये देखो गाइस आपको दिखाता हूँ, इस कटोरी में आपको कुछ दिख रहा है पापा, जरूर रोटी खा रहे, नहीं पनीर नहीं है ना इसमें, क्योंकि पनीर इसमें नहीं, इसमें है, इसमें पापा ने इसमें सारा पनीर पैक कर लिया, और हमारे रखा कि नहीं, हाँ रखा है, रखा है ना, ठीक है रखा है, पर चक के तो करना पड़ेगा एक बारी, मिल सकता हाँ है पनीर है मेरे लिए बहुत है, बाबू के लिए ये मटर छोड़ दूँ, ये छोड़ दूंगा बाबू के लिए, ये मटर मटर ये मटर टमाटर ये मैं ले जाऊँगा सारा पनीर। तो प्लान तो बना लें, तो भाई साहब निकल गए हैं घर से, और यहाँ पे देखो आज कितना तगड़ा जाम लगा हुआ है, मेरे ख्याल से वो रोड पड़ रही होगी ना, इसी करके लगा हुआ है जाम, और देखो पूरा आगे तक जाम ही जाम है, इसी में चलते हैं। हो गया 11:15, और इस समय मैं पहुँच गया हूँ ऑफिस। तो दोस्तों हो गया जी लंच, और अभी चलते हैं जरा थोड़े से पैसे निकलवाने, तो बैंक चलते हैं, हमारा बैंक है सामने ही,
ये बैंक सामने नहीं है, मतलब एटीएम है, वहाँ से निकाल के रहेंगे। और देखो धूप आज भी बहुत अच्छी चल रही है, धूप चल नहीं रही है, मतलब हवा चल रही है और धूप अच्छी निकली हुई है। कुछ भी बोल ले जाओ बस, है ना यार, अभी तुम्हारा बनेगा क्या। तो लो जी पोपट हो गया, इस बैंक में तो निकले नहीं, तो दूसरे बैंक से निकालने पड़ेंगे, जो मेरा बैंक है उससे निकले, तो अभी दूसरे बैंक से निकाल लेंगे, वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। तो पैसे तो निकालने हैं, बहुत ज़रूरी पैसे है, 500 रुपये। चलो जी काम हो गया है और आगे हम दोबारा से ऑफिस में। तो चलो जी अब अपनी सीट संभालते हैं और थोड़ा सा काम करते हैं, ठीक है। तो अभी टाइम हो गया 2 बजे। दोस्तों अभी हो रहे 6:15, ये देखो दिखा देता हूँ, 15:20 ही हो गया मतलब। और अंधेरा देखो कितना हो रहा है, काफ़ी अंधेरा हो गया मतलब। देखो आप पूरी लाइटें चलती होंगी और मैं कर रहा हूँ पुष्पा की वेट, ये आइए वहाँ से। और आज वैसे लेट ही हूँ मैं, ऑफिस से भी लेट ही था, पुष्पा भी लेट ही है। देखो मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हें घर नहीं जाना है, जल्दी आओ। तो दोस्तों घर पहुंच गए हैं और पुष्पा कट्टी तो कट्टी, 2 दिन की छुट्टी, अब हमारी 2 दिन की छुट्टी है, मजा आ गया। अब 2 दिन छुट्टी, संडे और मंडे। और पुष्पा को देखो जैलिस हो रही है, देखो जैलिस वाली, ये जैलिस वाली औरत, इसमें जलन अंदर अंदर खाई मेरी भी होती। तो चलो जी दोस्तों अब भी पियेंगे चाय, रिश्ती आ गया, चाय बना दो। अभी बर्तन वर्तन धो लिया और देखो पूरा अच्छे से बिस्तर रिश्ता बिछा के पूरा सेट कर दिया, आज तो बहुत अच्छा काम किया। इसके लिए तो इसको 1 रोटी कम बनानी पड़ेगी, लेकिन ड्यूटी तो करनी पड़ेगी। चलो और हाँ एक चीज़ दिखाऊँ दोस्तों, एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो काम में, काम में पता कितना बिजी होते हैं, ये पानी की बोतल, ये डब्बा खाली, ये भी खाली, ये खाली डब्बा, और ये देखो सेब ऐसे कैसे गया वापस देखा। तो बात यह है कि देखो सेब लेके गया था और सेब खा के भी नहीं आया, ऐसे कैसे वापस आ गया, तो टाइम ही नहीं हो पाता, मतलब कि भी हाँ भी सेब लेके गया खा लो, बिजी है। देखो कितने कोई फालतू के बीजे हो रखे हैं, हमको खाना खाने का ही टाइम नहीं। तो दोस्तों चाय वाय पी के थोड़ा सा फ्रेश हो गए और पुष्पा की तबीयत ना थोड़ी सी ठीक नहीं है, थोड़ी सी क्या काफ़ी ठीक नहीं है, उसको रेस्ट ही करना है। मैं कहता हूँ तू रेस्ट कर, क्योंकि ज़्यादा ख़राब हो जाए, मतलब अभी भी ख़राब है तो इससे ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, इसलिए तो आराम कर। और आज मैं बनाने लगा हूँ, पहली बार फर्स्ट टाइम बनाने लगा हूँ कुंदरू अपने हाथ से। तो आज हम बनाएंगे कुंदरू की सब्जी, ये बंदरू बनाएगा कुंदरू। तो चलो जी दोस्तों ये देखो कुंदरू निकाल लिए मैंने, अब इनको बनाते हैं फटाफट से, कटिंग कर देता हूँ पहले मैं, तो लो जी पहले इनको धो लेते हैं प्लेट में। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि कुंदरू की सब्जी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं होता। ये देखो हरी मिर्च, और आज मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करूँगा ना, ये देखो कड़ी पत्ता लाया था मैं, तो कड़ी पत्ते डालूंगा, है ना। और ये देखो कुंदरू तो बहुत सुंदर सा काट लिया मैंने, कढ़ाई रख दी है, फटाफट से लगाता हूँ तड़का। और ये जो है ना एक्सपेरिमेंट, पुष्पा भी हैरान हो जाएगी, बनाया क्या मेरे आदमी ने। तो लो जी दोस्तों तेल भी हो गया गरम, फटाफट से हरी मिर्च और ये डालता हूँ मैं, और माफ़ करना अगर मैं कुछ गलती करूँगा, क्योंकि आँच मैंने कर दी है कम वैसे, है ना, तो मैं थोड़ा सा डर भी लगता है ना, थोड़ा सा डर भी लगता है भाई क्या करूँ। तो मैं ऐसे करता हूँ, इसमें रख लेता हूँ फटाफट से, और ये लगेगा इसका तड़का। बस ये हो गया जी, ऐसे फटाफट से डाल देंगे हम कुंदरू, ठीक है। देखने में तो ठीक ही लग रही है, खाने में भी ठीक हो तो बस मजा ही आ जाए। चलो पहले थोड़ा सा फ्राई करके और फटाफट इसमें नमक और हल्दी डालने बताओ तो कुछ भी नहीं होता। तो दोस्तों एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो रिश्ती पढ़ते पढ़ते सो गई, थक जाती है ना काम करके, अब इसको रोटी भी बनानी है। और ये देखो चलो मैं अपनी सब्जी की देख लूँ जरा, लेट्स चेक दिस सब्जी, आ जाओ कैसी है इसकी शक्ल, कैसी है ये अनहोनी। ओह अनहोनी हिंदी तो सही है, अच्छी है, गुड, खुशबू अच्छी आ रही है और सब्जी भी अच्छी बन रही है। लाइट जला लो, ये लो लाइट जल गई, वाह सब्जी अच्छी बन रही है, गुड गुड। क्या दोस्तों बुक है यार, ऐसी बात नहीं, छोटे बड़े बुक पे हैं, ज़्यादा बड़े वाले नहीं, छोटे छोटे वाले। तो दोस्तों ये लो जी हमारी कुंदरू की सब्जी, यानी कि मैंने जो बनाई है वो वाली, अब पुष्पा खाएगी, पुष्पा बताएगी। पुष्पा की तबीयत कैसी है पुष्पा अभी? अभी तो वैसे ही खराब ही है, लेकिन दृष्टि ने खा ली है शायद। दृष्टि खाओ, अच्छी नहीं सब्जी, नहीं खाई है, अच्छी नहीं है, अच्छा खाई नहीं उसने। दोस्तों घबराना नहीं, अभी अभी थोड़ा सा बाकी है, कंधा दर्द तो फर्क पड़ा है दवाई से मुझे, पड़ा अच्छा, फिर तो अच्छी बात है। चलो दवाई असर कर रही है, और पुष्पा की हमारी सब्जी असर कर रही कि नहीं है, सही बनी है। इसमें मैंने एक ट्विस्ट डाला है, पता है ना तुझे, पता लग गया वैसे दोस्तों इसको, ट्विस्ट का पता लग गया। तो चलो मैं भी चक्के देखता हूँ कि आखिर कड़ी पत्ते के साथ कुंदरू कैसा लगता है, हाउ कुंदरू फील्स लाइक विद कड़ी पत्ता। सही लग रहा
अच्छा लग रहा है दोस्तों, चलो खाते हैं। और सब्जी ठीक नहीं है यार, अच्छी बनाई मैंने, वाह है ना दोस्तों, अच्छी नहीं, बाबू मिर्चीदार मजेदार है ना, अब भिंडी से तो अच्छी है, भिंडी से अच्छी, अरे मतलब मेरी भिंडी से कुंदरू की सब्जी मेरी बनाई हुई अच्छी है ना। हाँ मैं तुम्हारे साथ कंपेयर नहीं कर रहा हूँ यार, तुम तो महान महान कुक हो, महान, हम छोटे से अदने से इतने से वाले कुक हैं, ये इतने वाले कुक हैं। तो दोस्तों इस समय टाइम हो गया है रात के, तो आपको ये देखो दूसरा मोबाइल लाया मैं, इसमें 2:14 देख लो है ना, अगला दिन शुरू हो गया, तो देख लो इतनी रात रात तक उठे आपके लिए वीडियो बनाता, और वो देखो सामने वीडियो देखो मैंने लगा रखी है, रेंडर हो रहा है वहाँ पे, देखो लगा रहा हूँ, ये देखो रेंडर हो रही है, तो इसमें टाइम आधी हुई है आधी बनती है, और बच्चे सब सो गए, तो इसलिए मैं तो सही मैं कर रहा हूँ कूलर चल रहा है। तो वो आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेना, और जरूर करना है प्लीज़। देखो इतनी रात की जब और ऐसे वीडियो बनानी पड़ती है, और इतनी मेहनत आप समझते हो ना, तो बस तो वो आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेना, और एक प्यारा सा कमेंट कर देना, हम मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हमेशा खुश रहिए, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय। हेलो गाइस गुड मॉर्निंग, तो चलो अब अच्छा सा लग रहा है, ये क्या है भाई, कुछ करने कुछ कर रहा हूँ बंदा, कुछ कर लिया तो। तो दोस्तों कैसे हैं अभी तक चुपचाप बैठे थे ना खांसी बिल्ली